नमस्कार, एक और नया वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बनता हुआ घर के लिए जो काम किया गया है उसको पूरा दिखाऊंगा और साथ में इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना ईंट का खपत हुआ है उसके बारे में भी आप लोग को जानकारी दे दूंगा। तो अगर आप इस बात को लेकर परेशान हो रहे हो कि आपको अपने बनने वाला घर में टोटल कितना ईंट लग सकता है, तो बिल्कुल भी आपको परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बिल्कुल साइड से प्रैक्टिकली तरीके से बताऊंगा कि आखिर किस तरीके से घर का निर्माण किया गया है और टोटल कितना ईंट इसमें लगा है, जिसके लिए आपके लिए जो काम होगा वो आसान हो जाएगा, आप अपने बनने वाले घर के लिए अंदाज़ा है वो लगा पाओगे। तो चलिए स्टेप वाइज इस बनता हुआ घर को देखते हैं, उसके बाद जानेंगे कि टोटल कितना ईंट लगा है। दोस्तों, सबसे पहले जान लेंगे इस बनते हुए घर का साइज़। तो इस घर को 40 फीट बाई 32 फीट में बनाया जा रहा है, जहाँ पे 40 फीट का फ्रंट व्यू और ये 32 फीट का साइड व्यू आप देख रहे हो। इस घर के साइड में कुछ एक्स्ट्रा ईंट का भी काम किया गया है, जैसा कि देख सकते हो बॉक्स वाला विंडो का इस्तेमाल किया गया है ईंट की मदद से। सीट शेप में यहाँ पे ब्रिकवर्क किया गया, ऊपर में लिंटल लेवल पर ढलाई के साथ जो विंडो है उसको कंप्लीट किया गया। इसी तरीके का काम है वो सामने की तरफ भी किया गया है। जो भी ईंट का काम हुआ है अब तक टोटल मैं दिखाऊंगा ताकि आपको अंदाज़ा चले। वीडियो को स्किप करेंगे तो फिर आप फिर कन्फ्यूज रहेंगे, इसलिए पूरा स्टेप वाइज देखिएगा। देखिए, इस घर के लिए ये जो मेन डोर बीच में रखा गया है, दोनों तरफ से विंडो का यहाँ पे सपोर्ट है वो लिया गया। आप उधर भी देख लो या फिर इधर भी आप विंडो का सपोर्ट है वो देख सकते हो। इसके साथ ऊपर में वेंटिलेटर के लिए भी खाली जगह आप इजीली देख सकते हो। चलिए चलते हैं और घर के अंदर देखते हैं, क्योंकि घर के अंदर चलेंगे तब आपको अंदाज़ा लगेगा क्योंकि पार्टीशन वाल जो है किस तरीके से किया गया है, कितना पार्टीशन वाल है वो भी ईंट का जो हमारा संख्या होता है उस पर निर्भर करता है। आपको कितना ईंट का खपत करना है, किस तरीके से पार्टीशन वाल करना है। ज़्यादा पार्टीशन वाल होगा तो ईंट का खपत ज़्यादा होता है। देखिए, घुसने के साथ ही यहाँ पे एक छोटा सा वेटिंग एरिया रखा गया है, वहाँ एक और गेट है जिसके बाद आप घर के डाइनिंग एरिया में जाएंगे। लेकिन इसके दोनों तरफ से कुछ कंस्ट्रक्शन किया गया है। जैसे देखिए, इसका लेफ्ट साइड में आपको मिल जाता है इस घर के लिए सीढ़ी, जो कि इस तरीके से बनाया गया है। ये देख सकते हो फ्लाइट पार्ट है, फिर सेकंड फ्लाइट पार्ट आ जाता है, फिर थर्ड पार्ट का जो ढलाई है वो किया जाना बाकी है। बहुत सारे लोग ईंट से भी सीढ़ी बनवाते हैं, बेस बनवाते हैं ढलाई के साथ, उसके बाद ईंट से सीढ़ी बनाते हैं, तो उसमें और ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा ईंट लग सकता है। यहाँ पर ढलाई के साथ सीढ़ी का निर्माण किया गया है। इसके दाहिने साइड में आपको इस घर के लिए जो रूम है वो मिल जाता है, मैं अभी दिखाऊंगा, आगे भी चलकर दिखाऊंगा, लेकिन पहले ये जो रूम है दाहिने साइड में उसको आप देखिए, यहाँ पे दरवाज़ा के लिए जगह छोड़ा गया है। और इसके साथ साथ ये इस घर के लिए जो पहला रूम है वो आपको देखने में मिल जाता है, जहाँ पे दोनों विंडो का सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। देखिए, डबल विंडो है, सामने का कॉर्नर वाला यह रूम है। तो अगर ज़्यादा विंडो आप रखते हो तो फिर ईंट आपका कम लगेगा, लेकिन फिर जो आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आपको खिड़की दरवाजे में भी एक्स्ट्रा पैसा खर्चा करना पड़ता है। तो ईंट का मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूँ, तो जो भी ईंट का यहाँ पे कटौती किया गया या फिर जो काम किया गया उसके बारे में बताऊँगा। देखिए, मैं मेन द्वार पर खड़ा हूँ, यहाँ पर वेटिंग एरिया है, इधर आपको सीढ़ी मिला था, उसके बाद इधर आपको मिल गया था इस घर के लिए पहला रूम। आगे चलते हैं और देखते हैं कि कैसा कंस्ट्रक्शन है वो किया गया है, ताकि आप और अच्छे तरीके से समझ पाइए घर के बारे में और लगा हुआ ईंट के बारे में। यहाँ पे मुख्य दरवाज़ा आ जाएगा 4 फीट बाई 7 फीट के आसपास का साइज़ का। उसके बाद आगे बढ़ते हो तो आपको मिल जाता है इसके लिए डाइनिंग एरिया, ये देख सकते हो बड़ा साइज़ का डाइनिंग एरिया है। इधर विंडो का सपोर्ट और ऊपर वेंटिलेटर के लिए जगह दिया गया है। उसके साथ डाइनिंग एरिया के दाहिने साइड में आपको मिल जाता है इस घर के लिए किचन, और किचन के लिए जो प्लेटफॉर्म वगैरह बनाने का काम है वो बिल्कुल बाकी है। इस घर के पीछे साइड की बात कर ली जाए तो दाहिने वाला कोना में आपको मिलता है दूसरा रूम, इधर बाएं साइड का जो कोना है वहाँ पे मिल जाता है इस घर के लिए तीसरा रूम। दोनों रूम के बीच में यहाँ पे बनाया गया है कॉमन टॉयलेट बाथरूम, ये देख सकते हो कॉमन टॉयलेट बाथरूम यहाँ पे बनाया जा रहा है। दोनों तरफ से एक एक रूम आपको यहाँ पे मिलता है, बीच में कॉमन टॉयलेट बाथरूम बनाया गया है। यहाँ पे इस घर के लिए किचन का निर्माण किया गया है, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे इस घर के लिए डाइनिंग एरिया का काम है वो किया जा रहा है। तो इस तरीका से इस घर के लिए काम किया गया है, प्रत्येक रूम में एक या फिर दो विंडो का सपोर्ट लिया गया है, दरवाज़ा भी आप देख रहे हो। इसके साथ साथ जो अंदर का दीवाल है जिसे हम लोग पार्टीशन वाल बोलते हैं, ये सिर्फ 5 इंची का किया गया है। अगर आप 5 इंची का जो वाल है अंदर में करवाते हो तो आपका आधा ईंट अंदर का दीवाल से ऐसे ही बच जाता है, ये देख सकते हो। जैसे कि इस घर का प्रत्येक
जो अंदर का दीवार है वो 5 इंची का ही रखा गया है। अगर 10 इंची का करते हो तो आपका ज़्यादा ईंट लगेगा, लेकिन यहाँ पे जो काम किया गया इसका बात हो रहा है कि आखिर कितना टोटल ईंट है वो लगा है, तो अभी आपको बताऊँगा। देखिए काम को देखिए, पूरा काम को देखिएगा तभी आप एनालाइज कर पाइएगा अपने घर बनने वाले घर के लिए कि आपको अपने बनने वाले घर में कितना ईंट लग सकता है। इसका जो बाहर का दीवार है वो तो 10 इंची का है, प्रत्येक घर में बाहर का दीवार तो 10 इंची का आपको रखना ही चाहिए। ये देख सकते हो 10 इंची का दीवार है, और इसके साथ साथ आप देख सकते हो कि नीचे का जो फर्श वगैरह का काम है उसमें काफ़ी एक्स्ट्रा ईंट भी लगने वाला है, और ये जो छत का ढलाई तक का जो ब्रिकवर्क है उसका काम कंप्लीट कर लिया गया। मतलब इसके बाद एक रात अभी जोराई नहीं होगा, इसके बाद डायरेक्ट छत का ढलाई होगा। तो देखिए इस तरीके से किया गया, 10.5 फीट के हाइट में इस घर का जो छत होगा उसका ऊंचाई होगा, 7 फीट के हाइट में इस घर के लिए जो दरवाज़ा है उसका काम है वो किया गया है। तो ऐसे ही इस घर के लिए जो काम है वो किया जा रहा है। इस घर में 3 बेडरूम के अलावा हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट, बाथरूम के साथ सीढ़ी देखने को आपको मिल रहा है। हालांकि और ज़्यादा इसमें एक्स्ट्रा ईंट लग सकता है, जैसे कि इस घर का जो फर्श है उसको बनाने का काम किया जाएगा, फर्श में ब्रिक सोलिंग किया जाएगा, उसमें भी आपको एक्स्ट्रा ईंट लगने वाला है। और यहाँ पर डस्ट फिलिंग के साथ देख सकते हो कि काम यहाँ पे किया गया है, फिलिंग करके छोड़ दिया गया, उसके बाद में ब्रिक सोलिंग में और एक्स्ट्रा ईंट यहाँ पे लग सकता है। आपको पता है इसके ऊपर छत का ढलाई होगा, उसके बाद में फिर छत के ऊपर में जो पैरापेट वाल का काम किया जाता है वहाँ पे भी आपका एक्स्ट्रा ईंट लगेगा। फिर सीढ़ी रूम अगर बनाते हो छत के ऊपर में तो फिर वहाँ पे भी आपका एक्स्ट्रा ईंट लगना तय है। तो अब तक का जो काम किया गया है इसके बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ये देख सकते हो कुछ इस ढंग से इस घर का काम को किया गया, काफ़ी अच्छा तरीका से अच्छे फिनिशिंग के साथ इस घर को कंप्लीट किया जा रहा है। तो बात कर लिया जाए कि आखिर अब तक इस घर को बनाने में टोटल कितना ईंट लगा है। चलिए मैं आपको एक बार दूर से दिखा देता हूँ कि कितना काम किया गया। देखिए छत के ढलाई से पहले तक का जो काम है वो यहाँ पर कर लिया गया है, ये आप देख सकते हो। इस ठेकेदार का माने तो इस घर को बनाने में अब तक 17,500 के आसपास में ईंट लग चुका है, आप देख सकते हो। अगर आप भी इस तरीके से घर बनाना चाहते हो तो आपको 17 से 18 हज़ार ईंट की आवश्यकता हो सकती है, और आप इस तरीके से आप अपना काम करवा सकते हो। बहुत जल्द इस घर का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का वीडियो भी मैं लाने वाला हूं। अगर देखना चाहते हैं और भी बहुत सारा घर के रिगार्डिंग वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले दीजिए इजाज़त, नमस्कार।